हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके साथ मैं और एक बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह का लॉन्ग मंगलसूत्र, कलरफुल मंगलसूत्र मैं बनाने वाली हूँ आज। मंगलसूत्र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया इस तरह के छोटे वाले गोल्ड मोती, बड़े वाले गोल्ड मोती, ब्लैक मोती, इस तरह के ब्लू, इस तरह के पीले मोती, रेड मोती और इस तरह के स्काई ब्लू मोती लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने रेड और इस तरह का ग्रीन मोती लिया है बड़ा वाला, इस तरह के बड़े वाले गोल्ड ब्लैक मोती लिया है, इस तरह के पुरोने के लिए सुई और धागा। यहाँ पर मैंने धागे को इस तरह से फोल्ड करते हुए डबल लेयर धागा बनाते हुए इस तरह से थ्री लेयर धागा लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से हमें फोल्ड करना है धागे को, इस तरह से डबल करते हुए हमें धागे को थ्री लेयर धागा लेना है। इस तरह से सिक्स लेयर धागा आना चाहिए हमारा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पीछे की ओर जहाँ पर कट लगा है इस तरह से बांध देना है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर बांधने के बाद सामने की ओर इस तरह से धागे को अलग अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से तीनों धागे को इस तरह से अलग कर लेना है और इस तरह से एक धागे में हमें सुई में इस तरह से धागा पुरो कर यहाँ पर बांध लेना है। इस तरह से पीछे की ओर हमें ब्लैक मोती को इस तरह से पुरो लेना है। देख सकते हो आप किस तरह से मैंने पुरोया है। इसी तरह से हमें तीनों धागों में इस तरह से ब्लैक मोती पुरो लेना है। इस तरह से मोतियों को बराबर करना है हमें। ये देखिए इस तरह से मैंने मोती को इस तरह से बराबर कर लिया है। इसी तरह से हमें तीसरी लेयर में भी इसी तरह से ब्लैक मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से मोती को बराबर करने के बाद हमें इस तरह से बड़ा वाला ब्लैक मोती डालना है, इस तरह से छोटा वाला गोल्ड मोती, फिर से एक ब्लैक मोती, फिर से एक बड़ा वाला गोल्ड मोती, फिर से एक ब्लैक मोती, फिर से गोल्ड मोती, फिर सामने को इस तरह से ब्लैक मोती डालते जाना है हमें। फिर से हमें यहाँ पर इस तरह की मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से मोतियों को इस तरह से तीनों धागों में बराबर करना है हमें। ये देखिए इतनी मोती डालना है हमें। ये देखिए इस तरह से इस तरह से मोतियों को बराबर कर लेना है। यहाँ पर हमें इस तरह का बड़ा वाला ब्लैक मोती डालना है, इस तरह का गोल्ड मोती, ये देखिए इस तरह से फिर से ब्लैक मोती डालना है, फिर से इसी तरह से बड़ा वाला गोल्ड मोती डालना है, ब्लैक मोती, छोटा वाला गोल्ड मोती। देख सकते हो मैंने किस तरह से मोतियों को डाला है। फिर से ब्लैक मोती डालना है। पुरो लेना है, फिर से धागे को इस तरह से अलग अलग कर लेना है। फिर से हमें यहाँ पर मोतियों को डालना है। इस तरह के रेड कलर की मोती डालना है हमें। जितना हमने पीछे डाला था उतना ही हमें यहाँ पर डालना है मोतियों को। तीनों धागों में मोतियों को इस तरह से बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मोतियों को बराबर कर लिया है मैंने। फिर से हमें सभी धागे को मिलाते हुए सुई को बांध देना है। फिर से हमें यहाँ पर ब्लैक मोती, इस तरह से गोल्ड मोती, फिर से इसी तरह से पीछे जिस तरह से मैंने मोती डाला है उसी तरह से हमें यहाँ पर मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से पुरो लेना है हमें। फिर से धागे को हमें अलग अलग कर लेना है। फिर से हमें आगे को इस तरह से पीले मोती डालना है। तीनों धागों में इस तरह से हमें पीले मोती बराबर डालना है।
जितना हमने पीछे मोती डाला था उतना ही हमें आगे मोती डालना है। देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने तीनों धागों में मोतियों को बराबर कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से हमें रेड वाला मोती डालना है, बड़ा वाला। ये देखिए इस तरह से पूरा लेना है हमें। फिर से धागे को अलग अलग कर लेना है। इस तरह से सामने की ओर हमें यहाँ पर ब्लू मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर तीनों धागों में हमें इस तरह से ब्लू मोती डालना है। इस तरह से मोतियों को बराबर कर लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमें फिर से सभी धागे को मिलाते हुए सुई को बांध लेना है। और यहाँ पर इस तरह से ग्रीन मोती पुरो लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ पर गोल्ड मोती लेना है। ये देखिए इस तरह का मैंने गोल्ड मोती लिया है। सामने इस तरह से गोल्ड मोती डालना है हमें। ये देखिए खूबसूरत हमारा इस तरह से एक बाजू तैयार है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी बना लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरी बाजू बना लिया था। इस तरह से मैंने इसे पेंडिंग के साथ फिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से ये बाजू हमें पेंडिंग को फिक्स कर देना है। यहाँ पर हमें स्विंग को इस तरह से पेंडिंग में पुरो लेना है। ये देखिए इस तरह से पुरोने के बाद हमें इस तरह से धागे को निकाल लेना है। इस तरह से सुई को निकालने के बाद इस तरह से बीच में से इस तरह से पकड़ कर हमें ये वाले धागा पुरो लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा पेंडेंट अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मोतियों को सामने की ओर लाना है। ये देखिए हमारा मंगलसूत्र तैयार है। अभी हमें पीछे यहाँ पर स्क्रू लगा लेना है। देखिए इस तरह का स्क्रू हमें पीछे दोनों तरफ लगा लेना है। इस तरह से सुई को बांध लेना है पीछे की ओर और इस तरह से स्क्रू को पुरो लेना है। इसी तरह से ये बाजू भी हमें स्क्रू लगा लेना है और अच्छे से हमें यहाँ पर नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से सामने की ओर इस तरह से नॉट लगा लेना है। इस तरह से दो तीन इस तरह से बांध देना है हमें। पर हमें धागे को कट कर लेना है। ये देखिए हमारा स्क्रू लगा चुका है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र डिज़ाइन तैयार है। मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस तरह का मंगलसूत्र बनाऊं, तो आज उन्हीं के लिए मैंने इस तरह का कलरफुल मंगलसूत्र बनाया है। आजकल बहुत चलने वाला ये मंगलसूत्र डिज़ाइन है। आपको आज की मंगलसूत्र की डिज़ाइन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करना। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।